अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह हो चुकी है और बच्चे सारे गली में चले गए हैं। नईम की भी बाइक धुल रही है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और अभी तक हमने नाश्ता भी नहीं किया। ये देखो ये टिड्डा पता नहीं कहाँ से घूमता हुआ आ रहा है। और यहाँ मैंने भी चीज़ें समेटना शुरू कर दी हैं। और कल मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी। कल बहुत ज़्यादा सर में दर्द था जिसकी वजह से कल सारा दिन मैंने आराम ही किया है और कोई वीडियो नहीं बनाई। तो इंशाल्लाह आज तो आप लोगों को वीडियो मैं बना के दिखाऊंगी और आप लोग भी देखिएगा मेरी वीडियो। तो चलें फिर काम ख़त्म करते हैं और साथ में नाश्ता भी बनाते हैं और फिर आप लोगों से दोबारा बात करते हैं। काम सारा ख़त्म हो गया है और अब यहाँ हसन मैं दूँ झूला। ये हसन का काका शोल है, इसमें छोटा सा बेबी शोर है। क्या हुआ? ओहो यहाँ ला के सुलाया जा रहा है भाई इसे तो। अल्लाह करो अल्लाह अल्लाह सुलाओ इसको, नीनो कराओ। उफ अल्लाह अल्लाह करो ना इसको। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा इतनी जोर जोर उसको हाथ मारता बेचारी की आंखें खुल जाती हैं और वापस बंद होती हैं। मानो को पता चल गया कि ईद बहुत नज़दीक आ गई है और इसी खुशी में मानो पागल हो रही है। ओह दूसरा भी झल्ला हो गया है। मानो को बड़ी खुशी होती है ईद के आने की क्योंकि मानो ने नए कपड़े पहनने होते हैं, अच्छे अच्छे अच्छी चीज़ें पहननी होती हैं। ओ, ओ हसन डांस करके दिखा दो। हसन हसन आओ बाय बाय करें अजान और मानो को, जा रहे हैं वो लोग। चलो आओ जल्दी से इनको बाय बाय करो। अल्लाह हसन बाय बाय कर दो। लो हसन उठा के दो, मुझे दे दो, इसको नहीं लेना। बच्चे चले गए थे मदरसे तो मुझे मौका मिल गया कपड़े कटिंग का और यहाँ मैंने ये तीन सूट कटिंग कर लिए हैं और तकरीबन ये तीनों फ्रॉक ही हैं, अलग अलग स्टाइल में हैं। तो ये तीनों मैं आप लोगों को सिल के ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मेरा डड्डू चार्जर आज मेरे मोहल्ले में गया हुआ था और अभी ये जवान वापस आया है। के अलावा कुछ और आता है तुम्हें? हैं क्या कर रहे हो? अच्छा ये देखो ये चप्पल लेकर आ रहा है कि मुझे पहनाओ। कहाँ जाओगे चप्पल पहन के? हाँ कहाँ जाना है चप्पल पहन के बताओ जरा मुझे। बैठ गया चप्पल पहनने के लिए। इसे इतनी आवारगी का शौक है, इतनी आवारगी का शौक है कि अल्लाह ही माफी दे इस लड़के से। आज मैं बना रही हूँ आलू और कीमा और मुझे काफ़ी जल्दी थी क्योंकि मैं कपड़े कटिंग में लगी रही और टाइम का इतना अंदाज़ा नहीं हुआ और यहाँ 3:30 भी हो गए तो आधे घंटे के बाद बच्चों ने आ जाना है, तो इसलिए मैंने फटाफट कुकर चढ़ा दिया है। और इसमें मैंने डाला है कीमा,
टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और टोटल मसाले, जैसे कि लाल मिर्ची, नमक, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, तो सारा कुछ डाल के मैंने ये चढ़ा दिया है कुकर। अब 10 मिनट के बाद हम कुकर को खोल लेंगे। कुकर को जब खोलेंगे तो इसके बाद हम बीच में ऑयल डाल के और अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे, भूनेंगे मतलब। भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आलू और फिर उसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे और सिर्फ सीटी बजने तक का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही सीटी बजेगी हमने कुकर खोल देना और फिर उसके बाद हमारा सालन तैयार हो जाएगा। तो साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और बताती हूँ कि और क्या क्या करना है हमने। ये देखिए जी जनाब, मैंने कुकर खोल लिया है और इसमें ये सारा मसाला भी गल गया है और अब मैं इसे अच्छी तरह भूनूंगी। ये देखें जी जनाब, मैंने इसके अंदर आलू भी शामिल कर दिए हैं और मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है और यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मैंने इसमें डाल दिया है देसी घी भी। साथ साथ मैं इसे भूनूंगी, अच्छी तरह से भूनूंगी कि बिल्कुल मसाला अलग हो जाए और तेल अलग हो जाए। और फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर कुकर बंद करूँगी सिर्फ सीटी बजने तक, जिसमें आलू भी हमारे गल जाएंगे और हमारा सालन अच्छा सा तैयार हो जाएगा। बच्चे भी आ गए हैं मदरसे से और क्या हो रहा है मानो यहाँ पर, अल्लाह पता नहीं कौन से पौधे उगाने की तैयारी हो रही है इधर। इनको इतना शौक है पौधे लगाने का, मगर अफसोस के इतनी जगह नहीं है मेरे पास कि बच्चे पौधे वगैरह लगा सकें। और ये हमारे घर में माली भी आया हुआ है, यहाँ बेटा जगह तो है लेकिन यहाँ पे कपड़े भी तो धोती हूँ ना मैं। आज दोपहर में मैं सही से व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बाजी की कॉल आ गई थी रावलपिंडी से, तो डेली उनकी कॉल आ रही हैं और मुझे बुला रही हैं कि आ जाओ, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं तो छुट्टियां गुजार के चली जाओ। तो मेरा भी इरादा बन रहा है जाने का, तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरा इरादा बनता है, कंफर्म होता है, तो फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी और वहाँ भी जाके अपना व्लॉग मैं जारी रखूँगी। तो बच्चों की तो छुट्टियां तो हैं मगर अभी मेरे लिए मेन मसला है कुर्बानी का, क्योंकि कुर्बानी मैंने करनी है और अगर मैं पंजाब जाने का अगर इरादा अगर रखती हूँ तो फिर मेरे लिए कुर्बानी का थोड़ा सा हो जाएगा मसला। कुर्बानी का तो फिर मसला नहीं होने दूँगी, कुर्बानी तो लाजमी करनी है, हर हाल में करनी है, तो फिर हो सकता है कि पंजाब जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। तो लेकिन कोशिश मेरी ये है कि मैं देखती हूँ, बच्चों की तो छुट्टियाँ हैं और बच्चों ने भी ज़ाहिर है इंजॉय करनी है अपनी छुट्टियाँ और देखते हैं क्या होता है। बाजी तो खैर डेली मुझे फ़ोन करके कहती हैं और जब उनकी कॉल आती है तो मेरा पक्का इरादा बन भी जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जब अपना बजट वगैरह देखती हूँ तो फिर अपनी जेब इजाज़त नहीं दे रही होती। तो इंशाल्लाह जैसे ही कुछ ऐसा होता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। ये देखें जी जनाब, इसे मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और अब आप देख रहे हैं कि मसाला बिल्कुल अलग हो गया है। अच्छा मैं अभी हसान की पिटाई लगाती हूँ। ये देखें मसाला बिल्कुल अलग हो गया है और ऑयल बिल्कुल अलग से नज़र आने लग गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छा सा तैयार हो गया। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और फिर कुकर हम बंद करेंगे सिर्फ एक सीटी बजने तक, क्योंकि आलू हैं, आलू जल्दी गल जाते हैं। खाना हमारा तैयार हो गया है और आलू कीमे का सालन बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है और ये मानव भी खाने के लिए बैठी हुई, हसान भी आ गया है मगर अजान अभी आ रहा है। चलो जल्दी से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो ना। खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अल्लाह के नाम पे और उसकी वजह में खाना तो रही आमीन। अल्लाह हाफिज। आज हसन 12 बजे ही सो गया था और फिर 1 बजे तक उठ गया था, इसलिए मैंने इसे दोपहर में नहीं सुलाया कि चलो अभी इसकी नींद पूरी हुई हुई है और ये दोपहर में खेलता कूदता रहा। अभी खाना वगैरह खा लिया है तो सोच रही हूँ कि बच्चे भी चले गए हैं ट्यूशन, तो अब मैं हसन को सुला देती हूँ। अब ये कि अपनी ये नींद पूरी कर लेगा और अजान व मानो तो वैसे भी गए हैं जो इसको तंग करेंगे, तो चलो अभी ये है कि आराम सुकून से सोएगा ही है। लेट जाओ भाई, सीधे होके लेट जाओ, चलो जल्दी से नीनो करो। अल्लाह 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 अल्लाह।
चलें जी, ये तो सोया। और अब हम करेंगे सिलाई। काम तो सब हो चुका है मेरा, सारे घर का काम ख़त्म हो गया है, खाना भी बन गया है, तो अब मैंने बस सिर्फ सिलाई करनी है। मगर उससे पहले हम खाएंगे आम। चलें जी जनाब, अब हमारा हो गया है आम खाने का टाइम। आम खाने के बाद मैं करूँगी सिलाई, एनर्जी आ जाएगी ज़रा। और आम खाने के बाद क्यों ना आए, यही तो दिन है आम खाने के। उसके बाद आम ख़त्म और गर्मी भी ख़त्म। अच्छा, ट्यूशन से आते ही ना कोई सलाम ना दुआ, बस बैग अंदर। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेकर आई हो मेरे लिए? फूल लेकर आई हो? दिखाओ। थैंक यू। ओके। आसान भी अभी सोकर होता है। आज फिर एक सूट अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई हो गया है, और इसका ट्राउज़र ये वाला है और शर्ट ये वाली है। इसकी फ्रॉक बनाई है मैंने, और इसके स्लीव्स पे यही पलटावा और दामन पे भी, और पूरे बैक बटन आए हैं आगे गोल गले के साथ। थोड़ा सा ये आगे से ओपन खुला हुआ है, और बड़ा खूबसूरत सा इसका लुक आ रहा है फ्रॉक का। यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। बहुत तबाही मचाई हुई इन लोगों ने कमरे में। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? कौन बदमाशी कर रहा है? कौन बदमाशी कर रहा है ये? हाँ, ये दोनों खेल रहे हैं, और अजान सिर्फ 10 मिनट का बोल के गया था और अब तक वापस नहीं आया। कहता है मम्मा साइकिल चलाने दो मुझे 10 मिनट, तो अजान आ जाए साइकिल चलाकर। और यहाँ ये दोनों खेल रहे हैं, मस्तियाँ हो रही हैं इन दोनों की। अबे यार छोड़ दे, सबर कर। एक इसमें ये वाली शर्ट भी है, और ये वाली शर्ट मैंने मानों के लिए भी ली है, लेकिन उसका कलर डिफरेंट है थोड़ा। पिंक कलर मैंने लिया है मानों के लिए। और अगर आप लोगों को भी ये पसंद आए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें देखें, ये मुख्तलिफ हैं इसमें। और इसमें एक ये ब्लू कलर भी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये वाला है मानों का। और ये देखें, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और ये लीलन की शर्ट है, और ये भी लीलन की है। और एक ये है, ये लाहौर गया है ये वाला डिज़ाइन बनकर। और अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता था। और इसके प्राइस हैं 500, ठीक है। इसमें आपको मैं एक कलर और दिखा दूँ, इसमें एक कलर और भी है, और वो है ये वाला कलर, ठीक है। अगर किसी को पसंद आया तो मुझे बता दे। और एक ये झबला स्टाइल में है, एक ये है लीलन में, और एक ये एक बच्ची का सूट है। इसका साइज़ आप देख सकते हैं 32 है। और वही जो मैंने आप लोगों को दिखाया उसमें एक कलर ये भी है, और कुछ शर्ट्स ये भी हैं। मतलब मुख्तलिफ आइटम हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। नहीं माँ जल्दी आ गए हैं काम से, और इन्हें लगी हुई है भूख, और ये खा रहे हैं आलू कीमे का सालन जो मैंने अभी बनाया था। और बच्चे हैं गली में, बच्चों को कुल्फ़ी मिली हुई है। कहाँ गए हसन? हसन ये क्या हो रहा है? और कोई काम है? कुल्फी दवाई आ रही है। हसन हसन क्या खा रहे हो? हमारी तरफ भी कर लो थोड़ा सा। ये लो भाई, ये लो। हाय, हम भी इंसान है, हम भी इंसान है। अच्छा, हमें पता नहीं था। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, ये तरफ देखो। खुश कितना हुआ वो कुल्फी खा रहा था। मेरी तरफ देखो, मेरी कुल्फी खा रहा हूँ। मानो इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।
सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करवाए हैं। बाय बाय हसन, बाय बाय कर दो। बाय बाय। एक बंदर उधर बैठा हुआ है जान। जी।